ये सुंदर सी लड़की मैटिल्डा है। ये काफी यंग है। इसे अपनी किस्मत बड़ी खराब लगती है, क्योंकि इनकी शादी साधारण से क्लर्क परिवार में कर दी गई है। पर क्या करे भाई, जब इनके पास ना देने को कोई दहेज था, ना कोई बड़ी पहचान थी, तो भाई आपको साधारण सा बंदा ही मिलेगा ना। इनके पति देव एक साधारण से क्लर्क हैं, बोर्ड ऑफ एडुकेशन के ऑफिस में, तो ये नाखुश है उनसे। ये इतनी सुंदर है, इनका मानना है मेरी जिंदगी अमीरों की तरह होनी चाहिए, पर ये कोशों दूर है लग्जरियस जिंदगी से। गंदे से घर में रहते हैं, भद्दी सी दीवार है, टूटी हुई कुर्सियां हैं। लो जी, ये है इनके पति देव मिस्टर लोइजल। ये रात का डिनर कर रहे हैं। अरे वाह, ओट भाई केक, इससे अच्छा डिनर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोहतरमा के मन मन में ख्याल चल रहा है, हाँ, ये खाना ये खाना चांदी के सुंदर डिनर सेट में हो और शानदार डिशेस हो खाने को। पर इनके पास ना पहनने को फ्रॉक है, ना ही ज्वेलरी है। इनके पास जो नहीं होता ये वही पसंद करती है। और ये देखिए मिसेस मैटिल्डा की अमीर सहेली मिसेस जेनी फॉरेस्टर, जिनके पास ये जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये काफी अमीर है। जब भी ये जाती है शर्मिंदा होकर वापस आती है और सारा दिन रोती रहती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इनविटेशन फॉर मिस्टर एंड मिसेस लोइजल ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस। मैं इसका क्या करूं? मैंने सोचा आप बहुत खुश होंगे, वैसे भी आप बाहर बहुत कम जाते हो। वैसे ये इनविटेशन बहुत कम एम्प्लॉइज को मिला है, सो वी आर वेरी लक्की, ये हमें मिला है। अब क्या सोचते हो मुझे क्या डाल के जाना चाहिए? वो ही ड्रेस जो आप थिएटर में डाल के गए थे। क्या वो ड्रेस मुझ पर अच्छी लगती है? हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। और हाँ, आप ऐसा कीजिए, ये कार्ड अपने दोस्त को दे दीजिए, उसकी पत्नी के पास अच्छी ड्रेस होगी तो चली जाएगी। ये बताओ आपकी ड्रेस कितने की आएगी जो आप पार्टी में डाल सको? लगभग 400 फ्रैंक्स। इन्होंने पैसे अपनी गन के लिए बचा रखे थे। ये सोच रहे थे अगली गर्मियों में मैं लार्क बर्ड के शिकार पर जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा, मेक श्योर ड्रेस अच्छी हो। अब फाइनली मैटिल्डा मैम को अपनी मनचाही ड्रेस मिल चुकी है। पर ये क्या, ये तो अभी भी बेचैन और उदास है।
मैटिल्डा, पिछले 2-3 दिनों से आप इतने परेशान क्यों चल रहे हो? बहुत चिंता में हूँ, क्योंकि मैं अभी पार्टी में जाने के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। क्यों ना तुम फूलों की माला अपने बालों और गले में डाल लो, इस मौसम में बड़ा फैशनेबल लगेगा। छी, थोड़ा मीरों की तरह सोचो ना, और इन फूलों की खुशबू से क्या होगा? तुम्हारी तो फॉरेस्टी है, उसके पास गहने जरूर होंगे। अरे हाँ, मजा आ गया फिर तो, मेरे तो याद ही नहीं रहा था, कल जाके आती हूँ उसके पास। हाय फ्रेस्टियर। हाय मैटिल्डा, आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? यार मेरे को पार्टी में जाना था, तो मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो मेरे को ज्वेलरी चाहिए थी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैटिल्डा मैम जा पहुंचे हैं मिसेस जेनी फॉरेस्टियर के घर, जिनकी अमीरी को देखकर मैटिल्डा मैम और दुखी हो जाती है। अरे ये क्या, इनका तो ना कुछ लेने का मन कर रहा है और ना कुछ छोड़ने का। कुछ और दिखाओ, कुछ और। वो क्या है? क्या मैं ले सकती हूँ? Yes, of course. Okay, thank you so much. मिसेस लोइजल मैम तो पार्टी में सबसे ज्यादा आकर्षक और सुंदर दिख रही है, सभी का ध्यान इन्हीं के ऊपर है, हर व्यक्ति इनको नोटिस कर रहा है, इनसे नाम पूछ रहे हैं। इनके डांस में खुशी का नशा खूब दिख रहा है। लोजी सुबह के 4 बज गए हैं, इनके पति नींद की हालत में हैं। ये छोटे से कमरे में 3 जेंटलमैन और उनकी पत्नियों के साथ हैं। अरे ये क्या उड़ा दिया इन्होंने मैटिल्डा मैम को, इनको तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, शायद इनसे इनकी गरीबी झलक रही हो, तभी मैटिल्डा मैम यहां से भाग रहे हैं। ये क्या क्या हुआ?
सब तो सही है। पार्टी में तो तुम्हारे गले में ही था, वो रास्ते या कैब में से गिरा है कहीं। तुम्हें कैब का नंबर याद है? इनके हस्बैंड पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। ये पुलिस में भी गए, कैब ऑफिस में भी, और तो और न्यूज़पेपर में भी ऐड डाली, पर नेकलेस का कुछ आता पता नहीं। उधर उनकी दोस्त ने कॉल की तो इन्होंने बोल दिया नेकलेस का हुक टूट चुका है, इसको ठीक करवा कर देंगे। भाई जैसे भी हो नेकलेस तो देना ही पड़ेगा। अब ये जा पहुंचे हैं सुनार के पास, और पैसे कहां से उठाए? ब्याज पर, और थोड़े से पैसे लोइजल के पिताजी छोड़ गए थे। मिसेस फॉरेस्टर ने बिना बॉक्स ओपन किए नेकलेस ले लिया। मैटिल्डा के मन मन में ये भी डर था कहीं इनको पता ना चल जाए कि हमने नेकलेस बदल दिया है। लो जी जैसे तैसे करके इन्होंने ब्याज पे पैसे उठा के नेकलेस दे दिया, पर इसके बाद देखिए इनके क्या हाल होते हैं। इन्होंने मेड हटा दी, घर बदल दिया, वो घर लिया जिसके छोटे छोटे कमरे थे और किराया भी बड़ा कम। मटिल्डा हर वो काम करने लगी जिससे इनके पैसे बचे। ग्रोसरी और फ्रूट्स के छोटे छोटे पैसों के लिए ये मोल भाव करने लगी, और मटिल्डा के पति देवता जी दिन को तो ऑफिस में काम करते ही थे, अब इन्होंने रात को भी काम करना शुरू कर दिया फोटोस्टेट का। ना कहीं घूमना, बस काम काम काम। ऐसा 10 सालों तक चलता रहा। फाइनली 10 साल बाद सारा ब्याज चुकता हो गया, पर अब इनकी हालत बड़ी खराब हो चुकी है। अब ये दोनों बूढ़े लगने लगे हैं। मैटिल्डा मैम तो हद से ज्यादा बूढ़ी लगने लगी है, बाल बिखरे हुए, बिल्कुल गरीब से भी बदतर हालत हो चुकी है इनकी, गंदे कपड़े। मटिल्डा के हाथ लाल हो चुके हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है, और अब तो ये तेज आवाज में भी बात करने लगे हैं। जब उनके पति देव ऑफिस में होते हैं तो ये कई बार खिड़की में बैठ जाती हैं और वो ही दिन याद करती हैं कि ये पार्टी में कितनी सुंदर दिख रही थी उस दिन, सभी ने इनकी बड़ी तारीफ की थी। काश वो नेकलेस गुम ना हुआ होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें जिंदगी तबाह कर देती हैं। संडे का दिन था, मैटिल्डा वॉक कर रहे थे,
तभी उन्होंने फॉरेस्टियर को देखा। वो अभी भी यंग और सुंदर लग रही थी। मैटिल्डा के मन में आया, क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए? वो बड़े असमंजस में थे। सोचा, अब तो सारा ब्याज चुका दिया है, तो अब तो बात कर लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग जेनी। अरे सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं मैटिल्डा लोइसल। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। बस कुछ दुख भरे और मुश्किल भरे दिन थे, जिनका कारण आप भी हो। मैं? वो क्यों? याद है वो नेकलेस जो मैंने आपसे लिया था? वो मुझसे गुम गया था, फिर मैंने ब्याज से पैसे उठाकर वैसा ही नेकलेस आपको दिया, इस कारण हमारी हालत ऐसी हुई है। ओ माय डियर फ्रेंड, वो नेकलेस तो नकली था, वो तो 500 फ्रैंक से भी कम का था।